गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। कल की मूवी कैसी थी? बहुत अच्छी थी सच में, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया, चलना तो मैं भी चाहती थी बट क्या करूँ, ऑफिस का इतना काम जो था वो भी है। जाओ देखो कौन आया है। ओके दी। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ, जस्ट वेट। आई एम सॉरी, मुझे लगा अंजलि है। इट्स ओके। अच्छा राहुल तुम? हाँ, मैं और अंजलि सेम ऑफिस में वर्क करते हैं। मैं पानी लेके आती हूँ। आओ राहुल बैठो। और राहुल हाउ आर यू? अरे सब ठीक है, तुम बताओ। थैंक यू। मैं सोच रहा था तुम्हारी सिस्टर इतनी खूबसूरत है, सुशील है, तो काश। मतलब? अरे नहीं, मेरा मतलब एक कप चाय भी मिल जाती तो और ज्यादा अच्छा होता। हाँ वो तो मिलेगी ही। अच्छा काजल सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मैं ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर जा रही हूँ, तब तक राहुल यहीं रुकेगा। और हाँ, वो मैथ्स में बहुत अच्छा है तो तुम उसकी हेल्प ले सकती हो। और हाँ, ये थोड़ा नॉटी भी है बट ये मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ बुलाया है। काजल चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अरे ध्यान रखने के लिए मैं हूँ ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अच्छा मैं तो भूल ही गई थी, ख्याल रखने के लिए तो तुम हो। बाय बाय। काजल, जो आज तुमने खाना बनाया था ना, वो इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था कि जी करता है खाता जाऊं, खाता जाऊं, खाता जाऊं। और काश क्या, आई मीन थोड़ा स्वीट भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। वो भी मिलेगा। आई एम वेटिंग फॉर यू। श्योर। राहुल जी? राहुल जी नहीं, सिर्फ राहुल कहो। पता है राहुल जी से ना शादी वाली फील आती है। वो एक्चुअली मुझे मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? अरे जब इतनी सुंदर लड़की मुझे हेल्प के लिए बोले तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू। ओके। बुक? बुक? एक्चुअली मुझे इस क्वेश्चन में, हाँ हाँ, आंसर सही नहीं आ रहा। मैंने बहुत सॉल्व करने की कोशिश की, प्लीज आप मुझे समझा दो। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, देखो मैं समझाता हूँ तुमको, ठीक है? ओके। वो क्या है, तुम जो हो ना इस क्वेश्चन को शुरू से ही गलत कर रही हो। हाँ पर मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। इसका यूज करो। देखो ये जो यहां पर नंबर है इसे तुम पकड़ो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं भी हेल्प करता हूँ। अरे तुम क्यों नजर छुपा रही हो मुझसे, दाल ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? मैं सोच रहा था कि आज रात काश तुम मेरी हो जाओ। वो तो मैं सोच रही हूँ कि आज रात को, क्या जल्दी कहो ना, वो तो आज रात को ही पता चलेगा। पर मैं तो दाल मखाने की बात कर रहा हूँ। अब मुझे आप छोड़ो। तुम तो कुछ और सोच ली थी लगता है। हेलो। हेलो काजल कैसी हो?
मैं ठीक हूँ दी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। दीदी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आप कब आ रही हो? मेरा काम बस खत्म होने को ही है। वाओ। और राहुल तुम्हारा ध्यान तो रख रहा है ना? वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। ओके चलो देन, बाय, टेक केयर। ओके दी, गुड नाइट। ना बहुत नॉटी हो गए हो। क्यों, मैंने क्या किया? यू नो राहुल। हाँ कहो। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट डे देखा ना, मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज कुछ नहीं, आज सिर्फ तुम मुझसे प्यार करो, सिर्फ प्यार करो। ये जो भी तुम सोच रही हो उसे भूल समझ के भूल जाना चाहिए। तुम क्या बात कर रहे हो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये क्या तो बात क्या है, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम मुझे बहुत पसंद हो। एक्चुअली मैं तुम्हारी बहन का भरोसा नहीं तोड़ सकता हूँ। उसने मुझ पे इतना भरोसा करके तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बुलाया है। तुम ही बताओ, जब उसे हम दोनों के बारे में ये पता चलेगा तो उसका भरोसा हम दोनों से उठ जाएगा। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आई नो, पर मैं तुम्हारी दीदी को धोखा सच में नहीं दे सकता। प्लीज प्लीज समझो। और अगर मैं तुम दोनों को साथ रहने की परमिशन दूं तो? क्योंकि मैं काजल को दुखी नहीं देख सकती। मुझे ये भी मालूम है कि राहुल मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों सदा खुश रहो। थैंक यू दीदी।